नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे विंडोज़ 11 में किस तरह से स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला ये तरीका है कि कीबोर्ड से हम विंडोज़ का जो बटन है और प्रिंट स्क्रीन, ये जो दो बटन है एक साथ दबाना है। ये देखिए स्क्रीन ब्लिंक हो रही है इस तरह से, और हमें ये ओपन करने के लिए हमें पिक्चर्स में जाना है और यहाँ पे स्क्रीनशॉट में जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। और दूसरा तरीका ये है कि हम कीबोर्ड से विंडोज शिफ्ट एस दबा सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है, हम यहाँ से ऐसा ड्रैग कर सकते हैं और इतना हमारा स्क्रीनशॉट आएगा। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे और एक तरीका है, सेम हम यहाँ पे विंडोज शिफ्ट और एस दबाएंगे और यहाँ पे और एक ऑप्शन है, ये इस तरह से फ्री टूल है इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ये स्क्रीनशॉट आएगा। और एक तरीका है, फिर से विंडोज शिफ्ट एस दबाएंगे और यहाँ पे ये विंडो मोड है, एक क्लिक करके यहाँ पे आप विंडो पे जाएगा ना तो विंडो का एक स्क्रीनशॉट आएगा। और एक बार तो यहाँ पे ये सब पूछेगा। तो अभी ये स्क्रीनशॉट लिया है हमने, अभी ये स्क्रीनशॉट कहाँ पे सेव होते हैं देखेंगे। फाइल एक्सप्लोर में जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट, यहाँ पे ये सेव होगा। ये देख सकते हैं आप। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए।